हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी हार्ड में। अगर मेरी वीडियो आप लोगों को पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब करना मत भूलें मेरे इस चैनल को। इसके साथ साथ लेटेस्ट वीडियो देखना मत भूलें। तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा रेलवे ALP जो फीस था आपको 500 रुपीज़ फॉर जनरल एंड SC ST के लिए 250 रुपीज़, उसका जो रिफंड का जो प्रोसेस था वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपको जो जो लोग अप्लाई किए थे उन लोगों के लिए यहाँ पे आपका जो पैसा है आपको रिटर्न हो रहा है। तो दोस्तों, ये फिलहाल आपको बैंगलोर जो जोन है, यहाँ पे बैंगलोर जोन में जो कि आपका जो पैसा है वो यहाँ पे डिलीवर रिटर्न हो गया है। तो कुछ ही दिन में आपका ऑल ओवर इंडिया में जो जो लोग ग्रुप डी रेलवे ग्रुप डी लोको पायलट के लिए एग्जामिनेशन के लिए अप्लाई किए थे और एग्ज़ाम दिए थे, तो उन लोगों के लिए यहाँ पे भी आपका जो पैसा है वो रिफंड हो जाएगा। तो दोस्तों, आप लोग सभी देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरा जो पेमेंट एडवाइस जो है रेलवे ग्रुप डी के ग्रुप रिक्रूटमेंट बोर्ड बेंगलोर के यहाँ पर जो एग्ज़ाम था उसका यहाँ पर आपका जो मनी है यहाँ पर मेरा चलाया है। तो पहले आप लोग देख सकते हैं ये पेमेंट स्लिप है यहाँ पे, जो कि मेरा ट्रांजैक्शन जो कि नंबर उसके साथ साथ अमाउंट यहाँ पे 390 रुपीज़ दिया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पे बोला गया था 400 रुपीज़ आपको जो कि रिफ़ंड होगा, तो यहाँ पे 390 रुपीज़ दिया गया है और 10 रुपीज़ फॉर द ट्रांजेक्शन जो कि यहाँ पे ट्रांजैक्शन फीस यहाँ पे कट गया है। उसके साथ साथ यहाँ पे आपका डेट जो है 15 नवंबर 2018 में इसका जो कि ट्रांजैक्शन हुआ है। तो इस तरह से बहुत सारे लोगों को जो कि इसका रिफंड मिल गया है। आप लोगों के लिए भी यहाँ पे आपको मिल जाएगा ऑल ओवर इंडिया में जो लोग ALP एंड उसके साथ साथ लोको पायलट एंड ग्रुप डी के लिए एग्ज़ाम दिया था उसके भी यहाँ पर आपको जो कि पैसा आपको मिल जाएगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आए प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलें।